नमस्कार दोस्तों, मैं जुगेश और आज आप लोगों को लेकर आए हैं झारखंड के एक ऐसे ऐतिहासिक मेला। दोस्तों आज आप लोगों को झारखंड के एक ऐसे जगह रांची केतलसूद अनगढ़ा में रामकृष्ण मिशन का मेला लगता है जिसका सैर कराएंगे। आइए देखते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि झारखंड एक किसानों का राज्य है। यहाँ पर किसान एक्चुअली में अपना खेती पर ही आश्रित रहते हैं, नौकरी से ज़्यादा लगाव नहीं रखते हैं, खेती बारी से ही ये सब अपना घर परिवार चलाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए मेला लगाया जाता है कि पूरे झारखंड में जितना भी खेती होता है सब अपना अपना यहाँ पर जो खेती को जो भी सब्जियाँ होता है उसे लेकर आता है। और आप देख सकते हैं, आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या खेती जो किसान लोग आए हैं अपने अपने खेती को लेकर, अपने अपने सब्जियों को लेकर। यहाँ पर सब्जियाँ 1 केजी 2 केजी 5 केजी तक का मिलेगा एक ही। तो आइए आप लोग को दिखाते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे खिलौने हैं जिसे अपने हाथ से बनाए हैं ये लोग और लाए हैं इस मेले में। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये एक हाथी का बच्चा है, वो भी ग्रामीण लेडीज लोग ने बनाए हैं। अच्छा, ग्रामीण लेडीज लोग ने बनाए हैं। देखिए चाची का कहना है, अच्छा ठाकुर माँ स्वामी जी का जहाँ जन्म स्थान है, अच्छा वही विलेज पीपल ने बनाए हैं। अच्छा, वो भी लेडीज लोग ने बनाए हैं। अच्छा, बहुत ही मेहनत करके बनाए हैं, बहुत मेहनत किए हैं, काफी सुंदर है। सर बताइए, ये जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं कितना दिन से कर रहे हैं? हर साल यहाँ तो मेला लगता है? हर साल हम लोग हड़ताल आते हैं। अच्छा, हर साल लगता है, चल रहा है। ये आईसीआर प्लांट लूप का नाम से है, भारतीय कृषि अनुसंधान। क्या आईसीआर प्लांडू? हाँ, प्लांडू। अच्छा, हाँ, जितना ये सब हम लोग का अपना वैरायटी है निकाला हुआ, रिलीज। अच्छा अच्छा, तो अपना वैरायटी को आप लोग यहाँ प्रदर्शनी में लाए हैं ना? किसान के खेत पर भी दिया। अच्छा, काफी तरह तरह के टमाटर हैं, आप लोग देख सकते हैं, अलग क्वालिटी के। अच्छा, टमाटर पूरा भर जाए, बैगन। अच्छा, यहाँ प्रदर्शनी के बाद कुछ सुनने में आया कि मिलता भी है, पुरस्कार मिलता है? पुरस्कार मिलता है, जिसका अच्छा स्टॉल रहता है उसको पुरस्कार मिलता है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। कितना केजी का होगा ये को लौकी? लौकी नहीं, हाँ कितना अंदाज लगाइए? अंदाज है 30 होगा। 30? देखिए आप भी देखिए, जूम करके दिखाते हैं, इतना बड़ा भी लौकी हो सकता है। कोहड़ा है, कोहड़ा है लौकी, कोहड़ा एक ही होता है। आदमी घुसवा कोहड़ा ट्राई करके देखा तो हिला के उठाने का कोशिश कीजिए, अगर सकिएगा तो। नहीं, 30 होगा, 30 से ज्यादा होगा। देखिए दोस्तों, हमारे एक दोस्त हैं जो इसे उठाने का कोशिश भी किया लेकिन नहीं सका। और एक भाई ने आया, हाँ ये उठा लिए। कितना होगा भैया लगभग? 18 से 22 केजी का ये होगा। आप देख सकते हैं इतने बड़े लौकी, इतने बड़े लौकी नहीं है, कोहड़ा है, कोहड़ा है जिसे हमारे किसान भाई लोग ने अपने प्रदर्शनी में लाए हैं यहाँ, किसान मेला जो कि अनगढ़ा में लगता है, दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र रांची। प्राइज मिलेगा यहाँ बोल रहा है भाई लोग। आइए और भी दिखाते हैं आप लोग को, बहुत सारे यहाँ पर देखने योग्य हैं, आप भी देखें, मजा लें इस किसान मेले का घर बैठे। बहन सबसे बात करते हैं। हेलो, हाँ सर, क्या नाम है आपका? निशा कुमारी। निशा कुमारी, अच्छा, ये सब आप लोग का प्रदर्शनी के लिए है ना? ये सब बनाए हम लोग, बनाए हैं उसे दिखाने, मतलब प्रदर्शन के लिए लाए हैं आप लोग ना? हाँ, प्रदर्शन के लिए लाए हैं। अच्छा, काफी सुंदर बनाए हैं, अपने हाथ से बनाए हैं, देखिए बहन लोग।
बहुत ही अच्छा नज़ारा है, इसे देखकर कोई भी आकर्षित हो जाएगा, हम खुद आकर्षित हो गए हैं। और भी ढेर सारे आप लोग को दिखाएंगे, चलिए आगे। फूल का दुकान में आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं रंग बिरंगे फूल इस मेले में बिक रहे हैं। हमारे भाई लोग प्रदर्शनी के लिए लाए हैं फूल। और भाई लोग आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं क्या, कुछ बोलना चाहते हैं अपने दुकान के बारे में? कब से लगा रहे हैं ये दुकान को आप लोग? देखिए इसका जो फूल जो देख रहे हैं इसका हम लोग खेती भी करते हैं। अच्छा, इसका खेती करते हैं और प्रदर्शनी में लाए हैं यहाँ पर दिखाने के लिए। ये जो देख रहे हैं ये स्टीविया है, मीठा तुलसी है। अच्छा अच्छा, इसका एक एक ये पत्ता जो है चीनी से 30 गुना मीठा है इसका पत्ता। वाह क्या बात है, चीनी से भी ज्यादा मीठा है ना। आप चाहे तो एक पत्ता टेस्ट भी कर सकते हैं, इसका ड्राई है, टेस्ट करके बताइए। एकदम एकदम सही बात दोस्तों, इन्होंने जो बोला अभी अपने जवान से बहुत ही सच बोला है, ये बहुत मीठा लगा, हम खुद खा के आजमा के देखें इसको। और देखिए भाई लोग बहुत मेहनत करते हैं और फूल वूल का खेती करते हैं, और झारखंड को देखा जाए तो ये खेती बाड़ी पर ही आश्रित है झारखंड राज्य। और चलिए दोस्तों, आप लोग को और भी सारे दुकान हैं, सबका शेयर कराते हैं। दोस्तों अब आप लोगों को एक ऐसे दुकान में लेकर आए हैं, हुंडरू जरा विवेकानंद सेवा संघ। आइए इस दुकान में हम चाचा से भेंटवाते हैं आप लोग को। देखिए काफी अच्छा यहाँ पर फूल जो बनाए हुए अपने हाथ की कारीगरी को दिखाते हुए ये सब प्रदर्शनी में लाए हैं इस मेले में। ये सब हाथ से बनाया गया है, काफी यूनिक और अच्छा महसूस हो रहा है। तो हम चाचा से कुछ बात करते हैं। चाचा जी कैसे हैं? ठीक है, ठीक है ना। ये सब अपने से आप लोग बनाते हैं? सब अपने हाथ से बनाते हैं। बहुत अच्छा बनाते हैं आप लोग, देखिए ये सब कोई कलाकार से कम नहीं है। ये सब करना एक सिंपल मामूली आदमी का बस का बात नहीं है। इतने अच्छे अच्छे फूल और ये दिल, आप लोग भी देखिए दिल धड़क जाएगा। देखिए हर तरह के यहाँ पर फूल बनाए हैं चाचा जी ने, और अपने हाथों से बनाए हैं। इसका कहना है कि अपने हाथों से बनाए हैं, नहीं चाचा? देखिए अपने हाथों से बनाए हैं और प्रदर्शनी के लिए लाए हैं। झारखंड राज्य एक ऐसा देश है, सॉरी एक ऐसा राज्य है जहाँ पर खेती पर ही आश्रित है, और अपने हाथ के हुनर पर काफ़ी कलाकार यहाँ पर हैं, लेकिन सभी अभी ये लोग विलुप्त हो गए हैं। और इस मेले को आयोजन करने के बाद यहाँ पर देखा जा रहा है कि सारे कलाकार जो विलुप्त थे वो सब भी अब दिख रहे हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा दुकान की ओर बढ़ते हैं।